कक्षा जमा दो को उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थियों ने अपनी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिला हमीरपुर के महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर दिए हैं, जिसके बाद कॉलेज द्वारा पहली मेरिट लिस्ट निकाली गई है, जिस पर अब मेरिट लिस्ट में आए छात्रों को अपने दस्तावेजों को देखने के लिए कॉलेज में बुलाया जा रहा है। और यदि किसी भी बच्चे के दस्तावेज सही नहीं पाए जाते हैं या छात्रों द्वारा आधे ही दस्तावेज जमा करवाए गए हैं, तो अध्यापकों द्वारा उन छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और कोरोना के डर से उन बच्चों से दस्तावेज भी नहीं लिए जा रहे हैं। ये कहना है NSUI के अध्यक्ष टोनी ठाकुर का। टोनी ठाकुर ने कहा कि NSUI को बहुत से बच्चों के कॉल और मैसेजेस आए हैं, जिसमें उनके द्वारा अध्यापकों के द्वारा किए जा रहे अभद्र व्यवहार के बारे में बताया गया। NSUI के अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने कहा कि नए सत्र के बच्चों के द्वारा NSUI को कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं। बच्चों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन के द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। टोनी ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर कॉलेज ही एक ऐसा कॉलेज है जहां पर बच्चों को दस्तावेज चेक करने के लिए बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दूर दराज क्षेत्रों के बच्चे इस कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन कॉलेज के स्टाफ द्वारा इस तरह का अभद्र व्यवहार करना बहुत ही निंदनीय बात है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोविजन है कि यदि किसी छात्र के द्वारा कॉलेज को कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो उस छात्र का फॉर्म स्वयं ही रद्द हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा तय किया गया था कि कॉलेज में उन्हीं अध्यापकों को बुलाया जाए जिनकी जरूरत हो, लेकिन हमीरपुर कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है और कॉलेज में छोटे छोटे कमरे हैं, जिसमें लगभग 30 बच्चों को उनके दस्तावेज चेक करने के लिए एक साथ बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए बच्चों के लिए इस तरह का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखिए, NSUI हमीरपुर को बहुत सारे बच्चों की कॉल्स आ रही हैं, बहुत सारे छात्रों के मैसेज आए कि जब वो अपने फॉर्म जो हैं वो सबमिट करवाने, उनको चेक करवाने के लिए महाविद्यालय जा रहे हैं हमीरपुर में, तो वहाँ पर जो स्टाफ है, जो फैकल्टी स्टाफ बैठे हैं, वो उनके साथ मिसबिहेव कर रहा है। और जैसे वो वहाँ पे एंटर कर रहे हैं कॉलेज में उन डिपार्टमेंट्स में, तो उन्हें बोल रहे हैं कि बाहर से ही फॉर्म जो है वो चेक करवाए जा रहे हैं। और देखिए, इतने इतने दूर दराज क्षेत्रों से हमीरपुर कॉलेज में जो है वो पढ़ते हैं छात्र, तो इतने इतने दूर से आकर उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। और यदि कोई फॉर्म उनका गलती से छूट जा रहा है, तो उनके साथ उनको बाहर भेज दिया जा रहा है, और कोरोना के डर से उनसे जो है वो फॉर्म ही नहीं लिया जा रहा है। और देखिए, हमीरपुर कॉलेज ही ऐसा है कि जहाँ पर बच्चों को जो है वो फॉर्म चेक करवाने के लिए बुलाया जा रहा है, बाकी किसी और कॉलेज में ऐसा नहीं करवाया जा रहा है। और देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोविज़न है कि यदि किसी का फॉर्म गलत भरा होगा, किसी बच्चे ने, किसी छात्र ने, तो उसका जो है अंडरटेकिंग भी वहाँ पे भरी होती है, यानी वो खुद खुद विड्रॉ हो जाएगी उनकी एडमिशन, अगर उन्होंने कोई गलत फॉर्म जो है, गलत इन्फॉर्मेशन कॉलेज को दी होगी। और एक ये भी तय किया गया है कि उन्हीं टीचर्स को, उन्हीं फैकल्टी स्टाफ को वहाँ पर बुलाया जाए जहाँ पर जो है जिनकी ज़रूरत है। लेकिन हमीरपुर महाविद्यालय के अंदर देखिए, सभी टीचर स्टाफ को, फैकल्टी को बुलाया जा रहा है, और एक तो उनके कमरे जो हैं देखिए इतने बड़े नहीं हैं, 30-30 बच्चे एट ए टाइम बुलाए जा रहे हैं, और फिर भी उनको जो है वो इस तरह से उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो न्यू कमर्स हैं, न्यू छात्र जो कॉलेजों में आ रहे हैं, उनके लिए ये माहौल बिल्कुल गलत सा है और अलग सा है। तो इस तरह के जब ऐसा प्रोविज़न है, तो क्यों जो है प्रबंधन जो है वो इस तरह के काम कर रहा है। और हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ घटना, अप्रिय घटना कोरोना के दौरान हो, क्योंकि आपको पता है कि हमीरपुर में, हिमाचल प्रदेश में, जिस तरह से कोरोना का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो इस तरह के जो फैसले जो है कहीं ना कहीं लापरवाही भरे जो हो सकते हैं। NSUI इसका हर स्तर पर विरोध करती है, और NSUI कॉलेज प्रबंधन से यही अपील करना चाहेगी, यही मांग करना चाहेगी कि वो इस फैसले को अपने वापस लें, और बच्चों को जो है उनके जो फॉर्म्स हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट हैं, उनको ऑनलाइन ही चेक करें, क्योंकि पहले ही प्रोविज़न है, तो इसमें तो कोई शंका या कुछ और की कोई बात नहीं। जब अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन देगी, तो उनकी एडमिशन खुद ब खुद विड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरह के बचकाने फैसले लेने से प्रबंधन बाज आ जाए। धन्यवाद।